दुनिया दूसरी आके कब्जा कर लेगा इस पर। ये तो हमारे वजीर आला को मालूम चाहिए कि बजट क्यों नहीं दे रहा है। इसमें चाके पड़ गए, इसको स्टेशन को कम से कम ख्याल है 6 साल हुए बने, अरबों रुपया इस पर खर्चा किया है। कैंपेन न्यूज हरनाई में खुश आमदीद, मैं हूँ आपका दोस्त जलालुद्दीन रशीद। तो जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आपको पते बैकग्राउंड पे आपको नजर आ रहे, हम खड़े यहाँ पे हरनाई रेलवे स्टेशन पे। हमारे पास यहाँ के रिहायशी मौजूद है जावेद मसीही के नाम से, तो इनसे पूछते हैं, इनसे मालूम पूछते हैं कि ये जो हमारा ट्रेन है ये क्यों बंद है। सारी बात यहाँ की रिहायशी, आपको पता ही है जो इतने टाइम से रेलवे का जो हमारा स्टेशन है जो चल रहा है, वैसे जो बेजा ड्यूटी है मतलब काम वगैरह चल रहा है, इतना खर्चा हुआ, इतना काम किया हुआ है, ये जो ट्रेन बंद है कितने अरसे से बंद है और क्यों बंद है सर? यार ये कम से कम 16-17 साल हो गए ट्रेन बंद है, कुछ हालात ख़राब थे इसकी वजह से ट्रेन बंद है। तो हम लोग तो खुश है कि हम लोग की हरनाई की ट्रेन खुल जाए, हमारे जिम्मेदारों को, हमारे कोले वालों को बड़ा फ़ायदा होगा और हमारे आवाम को फ़ायदा होगा कि हमारी बीमारी हम गाड़ी में लेके जाते, हम लोग की इतनी तौफीक नहीं है, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम रास्ते तक जाते, हमारे मरीज़ मर जाते क्योंकि रास्ते ख़राब हैं। तो अब मैं ये मेहरबानी करता हूँ, मैं आप लोग ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गाड़ी हमारी खुल जाए तो हमारे लिए अच्छा है, हमें बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा सर, मैं यही आपके मुंह पे मैं बात कटाना चाह रहा हूँ। चलो अब तो बंद है फिलहाल, वैसे अब जो बंद है, आप पहले सबसे पहले इसके नुकसान बताइए, क्या नुकसान हुआ है हमारे जो बंद भी है, क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि पहले कोले का कारोबार है जी, फिर सब्जी का कारोबार है, तो फिर आवाम का, तो ये हम लोग ये समझते हैं कि चलो अगर ट्रेन खुल जाए तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, जिम्मेदारों को फ़ायदा होगा, कोले वालों को फ़ायदा होगा और हमें फ़ायदा होगा क्योंकि हमारे रोड के हालात बहुत ख़राब है, तो हम लोग उसमें सफ़र नहीं कर सकते। अच्छा सर, आपने बात की आपने कि जैसे हम मरीज़ वगैरह नहीं लेके जा सकते, रोडों के मसले होते हैं, तो क्या अगर ट्रेन हो जाए आप बीमारी वगैरह को ट्रेन में लेके जाना चाह रहे या क्या मकसद है सर? बड़ी आसानी से ले जाएंगे, खुला उसका रास्ता है, खुला दरवाज़ा है, उसका डब्बा है, हवा लगती है उसमें, सब कुछ है, हर चीज़ की सहूलत है, बाथरूम की सहूलत है, उठने बैठने की सहूलत है, मरीज़ को आदमी घुमा सकते हैं, उसको वो ले जा सकते हैं, उसमें छोटी सी उसमें गाड़ी में क्या घुमाएंगे, वो तो उठ के सही बैठ नहीं सकता उसमें, तो उसको क्या उसके साथ। रहायशी यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये गाड़ी वगैरह ट्रक वगैरह खुल जाए हमारे लिए इसके बहुत फायदे, क्योंकि आप जान रहे हो बाकी दूसरों को भी पता है लेकिन आप ज्यादा जानते हो, आप कहते हैं इसके बहुत फायदे हैं। दूसरी बात सर, मेन बात ये पूछ रहा हूँ, मिसाल तो जैसे हम अरनाई को मेन मसाइल अगर आप बताए किस चीज़ के हम मतलब शिकार है कि हम पसमानदा आगे नहीं जा सकते, मेन मसाइल अरनाई की क्या है सर? ये इसलिए कि पहले यहाँ से लोडिंग होती थी शिकारपुर तक, सखर तक ट्रेन का आना जाना था, इसमें बड़ा सहूलत, शिकारपुर तक, सखर तक, नवाबशाह तक। फिर मैं दूसरी एक ये बात करूंगा कि यार हम लोग की ट्रेन चले और हम लोग को इतनी सहूलत मिले कि हम लोग की सब्जी थ्रू सिब्बी से लेकर शिकारपुर तक, सखर तक हम लोग एक डब्बा हम लोग को उधर से भी लग जाए कि हम लोग की सब्जी से दर। अभी इतने किराए ज़्यादा हैं तो ज़िम्मेदार खुद भी परेशान है, क्या करें, कोठा लेके जाते हैं उसका पूरा अपने आपका पूरा नहीं होता है। अच्छा सर, मैं अब आपके जैसे कि हम रोडों वगैरह का शिकार सिर्फ रेलवे लाइन नहीं है बल्कि बाजार के रोड हो गए या सिंजावी टू हरनाई रोड गया, कोयटा टू हरनाई, इन रोडों के मेन वजह क्या है, क्यों नहीं बन रहे या इस दरमियान में कोई रास्ता क्यों बना रहे या मेन वजह क्या है, किस वजह से नहीं बन रहे सर? ये तो हमारे वजीर आला को मालूम चाहिए कि बजट क्यों नहीं दे रहा है, ये तो हमारे वजीर आला को होना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई हमारे रोड पक्के क्यों नहीं हो रहे, ये जो हमारे रोडों के काम करते हैं कम से कम इस लोग के खड्डों को तो बराई करना चाहिए सर, इस लोग को बराई करना चाहिए। मरीज को लेके जाओ, मरीज को इतने झटके लगते हैं, एक तो खुद मरीज है वो आगे और मरीज बन जाता है, जाते जाते आदमी की फोतकी हो जाती है, जाते जाते आदमी को ट्रेन वो मसला बन जाता है, तो जाते जाते आदमी क्या करे, 5-6 घंटे लेते हैं, 5-6 घंटे वैगन लेती है। ट्रेन का तो अच्छा सफ़र है सर, अगर मैं बोलता हूँ मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ट्रेन खुल जाए हम लोग के लिए बड़ी अच्छी बात। यार मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने सब पूरे हरनाई वालों को, अपने मलकों को, अपने साहबान को कि यार जल्द जल्द अपने ख़ास करके ये ट्रेन का जदोजहद करें और कोशिश करें और ट्रेन चल जाए, बड़ी अच्छी बात है, सारों के लिए ये फ़ायदा है। जलजला जो आया था तो ये जलजले की वजह से ये चीज़ में चाके पड़ गए, इसको स्टेशन को कम से कम ख्याल है 6 साल हुए बने, अरबों रुपया इस पर खर्चा किया है, ये बनाया गया, ये सारे इस पर चाके आ गए, तो मैं इसको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये चाके भी बंद की जाए और इसकी स्टेशन की दोबारा मरम्मत की जाए, तो आगे ये बाकी ये दागे हैं, ये स्टेशन है आगे से देख, जी हाँ
ये देखिए आप खुद भी इसको देख सकते हैं कि मैं फिर ये बार बार ये फिर कहूँगा आपसे कि अगर जितना अगर हो सके तो ट्रेन को चलाया जाए, वरना अगर ट्रेन ना चली तो ये स्टेशन एक खंडर बन जाएगा, इसमें लोग बसेंगे, दुनिया दूसरी आके कब्जा कर लेगा इस पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये स्टेशन को देखा जाए, इतना अरबों पे खर्चा किया है, और देखे ये जलजले की वजह से सारे चाके आई हुई है, ये सारी चाके आई हुई हैं, ये देखें सर, इसको देखें आप, इसको कम से कम आदमी हफाजत में उसका, अभी अल्लाह से तो कोई जोर नहीं हमारा, तो ये जलजले के वजह से सारे ये क्रैक हो गया। तो अभी इसके आगे जो आप अभी इसके आगे देखे, बार बार मैं ये कहूँगा कि ये चाके ये आ रही है, और फिर बार ये कहूँगा कि अगर ये ट्रेन चल जाए, ये हमारा स्टेशन हफाजत में रहेगा, और हमारी आवाम को, हमारी आवाम को फ़ायदा होगा, हमारे ज़िम्मेदारों भाइयों को फ़ायदा होगा, हमारे जो ठेकेदार हैं अरनाई के कोले के ठेकेदार हैं जो है उस लोग को फ़ायदा होगा। तो इसीलिए ये आपने अच्छी बात है, ये मीडिया आइए आइए पूछते एक और शहरी से तो दावा सीधा गाड़ी सरंगत दादा गाड़ी खुडेर फायदे विदा वो वजह दारनाई की दकम सब्जी ने सामानों उदा मिसाल लगल रसदल मंडे ला कोला वकार सो वजन रोडो ने खराब दी दचा सब्जी ने पलीर खराब पे पकड़ाओ पलकाओ ता उन्होंने दार जिम्मेदार खाजी पर गाड़ी की दा सहूलत हो आशा तरजाए पुर पर टाइम रसदल गाड़ी दे बाल इस बार तमाम दारनाई आवाम पदखता पस्तर गुदी मिसाल दा गाड़ी बखल खलास है। सर आखिरी पैगाम कोई हमारे अरनाई आवाम को, अच्छा सा पैगाम सर। यार मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ अपने सब पूरे अरनाई वालों को, अपने मलकों को, अपने साहबानों को कि यार जल्द जल्द अपने ख़ास करके ये ट्रेन का जदोजहद करें और कोशिश करें और ट्रेन चल जाए, बड़ी अच्छी बात है सारों को लिए ये फ़ायदा है। तो ये थे नाज़रीन हमारे साथ आज जावेद मसीह साहब, इन्होंने जो अपने इजहार किया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।